लिटरली बता रहा हूँ, ये ट्रिक करने के बाद में आपका दिमाग हिल जाएगा। आपको जो लिविक मैप में क्रिमजन कैसल दिखता है आपको एक ही मिलेगा, तो उसके पास आ जाना, जहाँ पे मैं एग्जैक्ट हूँ वहीं पे आ जाना। देखो आपको मैं यहाँ पे मैप में भी दिखा देता हूँ, इस वाली जगह पे आना है, बाहर की साइड एंड सामने की साइड जो सड़क दिख रही है आपको इसके इस साइड रहना है और यहाँ पे आपको प्रोन कर देना है। एंड भाई इजी पीजी, आप पूरा अंडरग्राउंड, मतलब यार किसी भी पावर की कोई भी नीड नहीं हुई। सामने एनिमी जाना है उसको पता भी नहीं चलेगा और आप इस तरीके से फायर भी कर सकते हो। यहाँ इधर उधर जाने के लिए जॉयस्टिक का यूज कर ले, और तो और अगर आप एपीपी कर लेते हो तो आपको पूरा का पूरा अंडरग्राउंड यहाँ पे देखो क्रिमजन कैसल कुछ यहाँ से दिखने वाला है। और अगर आपको यहाँ पे थ्रोबल आइटम फेंकना है तो वो भी फेंक सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो इजी पीजी मेरा थ्रोबल आइटम। इवन अगर आपको बाहर निकलना है तो अनक्राउच वाले बटन को क्लिक करो एंड यहाँ से देख सकते हो आप जमीन से बाहर भी निकल जाओगे। कितना आसानी से अंदर जाना और कितना आसानी से बाहर, एनिमीज आपको ढूंढते रह जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। ये वाली ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर ही लेना। अगली ट्रिक की बात करें जो कि क्रिमजन कासल के देखो इनसाइड होने वाली है। अब आपको यहाँ पे जो क्रिमजन कासल रहता है ना आप देख सकते हो, इसके अंदर की साइड आना है, जहाँ पे यहाँ पे देखो उसके लेफ्ट वाले रूम में आ जाना है, फिर अंदर की साइड आओगे। मैंने पहले भी यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी लेकिन ये न्यू है। आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आके अपने को जंप करना है और यहाँ पे चढ़ जाओगे, फिर वापस से आपको करना कुछ इस तरीके से जंप करना है एंड लेज ग्रिप के थ्रू इस पे आ जाना कॉफिन पे, फिर वापस से सामने की तरफ एक और जंप मारना है एंड लेज ग्रिप के थ्रू इजी पीजी आप यहाँ पे आ जाओगे। अब देखो कोई भी पावर की नीड नहीं हुई, आप किसी भी तरीके से आपको पावर यूज नहीं करना, आप बिना किसी दिक्कत के सिंपली यहाँ पे आ सकते हो। और कोने में बैठने का फायदा यही है कि आप यहाँ से थ्रोबल आइटम फेंक सकते हो, गन फायर कर सकते हो, मतलब हर एक चीज कर सकते हो। बंदे यहाँ पे देखो, बंदे ज्यादातर यहाँ पे देखते नहीं है, वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ पे भी कोई हो सकता है। जब भी आपको लग रहा है कि मैंने अच्छे खासे किल निकाल लिए तो यहाँ से निकलना भी आसान है, जस्ट आपको जंप करना एंड इजी पीजी बाहर की साइड भी आ जाएगा। कमेंट में जरूर से बताओ ये ट्रिक आपको कैसे लगी। तो कमेंट कर, सीरियसली बता रहा हूँ, अगर ये ट्रिक कर ली तो आप पूरी कपड़े एनिमीज को सरप्राइज टेक दे सकते हो और हर ये ट्रिक आप जहाँ चाहो वहाँ कर सकते हो। आपको जो येलो एंड यहाँ पे देखो ब्राउन कलर के पत्ते वाला पेड़ दिख रहा है ना, आपको उसके सामने आके ब्लड ओथ एक्सट्रैक्ट वाली पावर को यूज कर लेना है। फिर आपको ना जॉयस्टिक से आगे की साइड जाना है इसके पास, फिर अप वाले बटन को क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर आने के बाद में आपको अंदर की साइड जाके एग्जिट मार दो एंड भाई बूम बम, यहाँ से देख सकते हो आपकी बॉडी पूरी की पूरी कवर कर लेंगे, ये जो भी टहनियाँ दिख रही है ना यहाँ से आप नहीं दिखो। हाँ आपको डरने की बात नहीं है, आप क्राउच कर लो, प्रोन कर लो, कितना भी जंप कर लो, यहाँ से गिरोगे नहीं। और थ्रोबल आइटम तो फेंक ही सकते हो, अगर बात करें गन फायर की तो वो भी आप इजी पीजी कर सकते हो। सिंपल शब्दों में कहूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना आसानी से आप अच्छा खासा चिकन डिनर निकाल सकते हो। तो लाइक बनता है इस ट्रिक के लिए कर। कभी कभी आपके साथ ही ये सिचुएशन होने वाले है, जोन में आप यहाँ पे फंस जाओगे, व्हीकल आपके पास है नहीं, तो नॉर्मल जाओगे तो भाई ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो अब आपको 3.4 अपडेट में वुल्फ सेल वाली पावर का यूज करना है एंड आपको बस यहाँ पे हाउल करके बस यहाँ पे देखो किस तरीके से रन कर सकते हो, कितना फास्टली भाई, बहुत फास्ट आप यहाँ पे जोन में जा। फास्ट जाना है तो वुल्फ सेल वाली पावर यूज करना, ब्लड ओथ एक्सट्रैक्ट नहीं, तो बता जो कि ये ट्रिक आपके लिए बिल्कुल राइट है। लिविक के अंदर आपको पता है कि आपको दो वॉच टावर ऐसे देखने को मिलेंगे, सेकंड आपको ये वाला जो कोई ईस्ट पोर्ट में होता है साइज से, अगर आपको पता है तो मुझे बताना ईस्ट पोर्ट में ये, फिर आपको वुल्फ सेल वाली पावर यूज करना है। लाइट टावर है ना इसके पास आपको कुछ इस तरीके से वुल्फ को लेके जाना, स्प्रिंट लो करो एंड जंप वाले बटन को क्लिक कर दो। वुल्फ ऊपर आए ना तो याद रखना कि पहले आपको यहाँ पे किसी भी विंडो पे रुकना है फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम में आप जा पाओगे वरना तो आप नीचे गिर जाओगे। एंड यहाँ पे देख सकते हो इजी पीजी भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूं। गलती से एंड वाला सर्कल यहाँ पे बन गया तो कोई भी एनिमी किसी भी कोर्स पे एक्सपेक्ट नहीं करता कि यहाँ पे भी कोई हो सकता है। अच्छी खासी फायर एंड शूट ग्रेनेड वगैरह फेंक सकते हो, दूर दूर तक आप एरियाज यहाँ पे कवर करके एनिमीज को मार सकते हो। अगर आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लो। मैं सच बता रहा हूँ लिविक मैप पे ये वाली ट्रिक आप हर जगह कर सकते हो, एनिमीज को सरप्राइज अटैक दे सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्लड ओथ एक्सट्रैक्ट वाली पावर यूज कर लेना है आपको किसी भी यहाँ पे, देन आपको ये पावर यूज करने के बाद में आपको याद रखना है जो असेंट वाला बटन है आप ऊपर स्वाइप करना है, देन ये जो आपको यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोल दिखते ना इसके ऊपर जाके आपको एग्जिट कर देना है, यहाँ पे आ जाओगे। सबसे अच्छी बात आप यहाँ पे क्राउच कर सकते हो, प्रोन कर सकते हो और अनक्राउच कर सकते हो, जैसे जो चाहो उस पोजिशन पे यहाँ पे। अगर आपके पास एक अच्छी गन स्कोप है तो आप दूर दूर तक एनिमीज को कुछ इस तरीके से देख के किल कर सकते हो यार। यार ऑफ कोर्स यहाँ से आप थ्रोबल आइटम तो फेंक सकते हो क्योंकि इतना यहाँ पे देखो एरिया यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। अगर एनिमीज पे फायर एंड शूट करते हो तो वो पता नहीं लगा पाएगी कि आखिर बुलेट आ कैसे रही है, कहाँ से आ रही है। लिविक मैप में एक जगह जोन आ जाए तो वापस ये पावर यूज करके दूसरे यहाँ पे देखो इस पोल पे चले जा सकते हो। ओके तो यही था वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। और हाँ यार मैंने लिविक का अंडरग्राउंड यहाँ पे ग्लिच ढूंढ लिया, अगर आपको उस पे भी वीडियो चाहिए तो पार्ट 2 जरूर से लिख देना कमेंट में। मैं चलता हूँ अगले वीडियो की टिप्स एंड ट्रिक ढूंढने, तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय।